पीरियोडिक फंक्शन इसका भी डेफिनेशन पहले लिखवा रखा है मैंने, राइट? क्या दैट क्या था डेफिनेशन? इफ एक्स माइनस टी एक्स एंड एक्स प्लस टी बिलोंग्स टू डोमेन एफ सच दैट, बोलो f of x minus t is equal to f of x plus t, then f is periodic, जहां पे t जो है वो क्या है, t is a real positive number, है ना? Yes. Then f is periodic with period t. यहां तक क्लियर है? तो फंडामेंटल पीरियड क्या था विदुषी? सर सबसे छोटा वाला पीरियड फंक्शन का, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ टी ऑफ फंक्शन. ये तो पहले भी लिखा था हमने तो, है ना? यस सर. हेलो, यहां तक क्लियर है? यस सर. कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं अपन. कॉपी कर लिए? हाँ सर. हाँ सर. हाँ बोलो सर. आपने लास्ट लाइन क्या लिखे हैं फंडामेंटल के आगे? फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ. बोलो, कॉपी हो गया? यस सर. यस सर. ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस पार्ट अगेन. काम कर रहा नेक्स्ट पार्ट विल कम टू दिस थिंग इज यहाँ पे कि अगर सो पहले देखते हैं कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट क्या होता है, फंक्शन का इफेक्ट ऑन पीरियड. ठीक है, तो अगर एफ का पीरियड टी है, हेलो भाई साहब, एफ का पीरियड टी है, तो भाई मुझे बताओ एफ क्यूब का पीरियड, एफ फाइव का पीरियड, क्या रहेगा? टी रहेगा ना, टी रहेगा ना. अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ नहीं समझ में आ रहा भाई साहब, तो क्या पढ़ाया है मैंने दो महीने में? अच्छा मतलब फिर तो मैंने मतलब नींबू का अचार डाला है मैंने फिर तो. आपको ग्राफ से फील नहीं आ रही कि एफ एस का ग्राफ टी के बाद रिपीट कर रहा है, एफ क्यूब बनाऊ
चाहे पावर फाइव बनाओ, इन सबका पीरियड टी ही रहेगा, इसकी फील नहीं आती है? आती है सर। अरे बोलो भाई। What can I say here? I can't say anything, बाबा। तुमको खुद ही देखना है। F अगर even power हो गया तो T by 2। नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है ना। ऑब्वियसली टी तो पीरियड रहेगा, टी तो पीरियड रहेगा, लेकिन फंडामेंटल है या नहीं वी कांट कमेंट। ये बात चमकती है? अबे तुम लोगों ग्राफ की फील ही नहीं है क्या? अबे साइन स्क्वायर एस का ग्राफ मन में बनता है, क्या होएगा पीरियड? मैंने फालतू में पढ़ाया, पूरा मैं लग रहा है यार। साइन स्क्वायर का पीरियड क्या रहेगा? पाई। 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 साइन स्क्वायर का पीरियड क्या रहेगा? पाई रहेगा ना। पाई। साइनस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो आपको यहाँ से पाई आपको दिख रहा आधा हो गया, बट चलो अगर मान लो मेरा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है और मैंने वापस से साइन स्क्वायर एस का स्क्वायर किया, साइन पावर 4 का पीरियड क्या रहेगा? पाई रहेगा ना। ये बात चमकती है? तो ऑड वाले पावर में वी आर श्योर, ऑड वाले पावर में वी आर श्योर, इवन वाले पावर में फंडामेंटल पीरियड्स वो तो नहीं रहेगा इतना, मतलब वो रह भी सकता है और वो नहीं भी रह सकता है। ये बात चमकती है क्या? यस। जैसे अगर मान लो यार, मतलब मुझे लगा ये सब तो जब सब कुछ पढ़ाना ही पड़ रहा है तो फिर मतलब आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो इसका मतलब यार। वाई इक्वल टू हमने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया आपको, साइन एक्स, और वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। इसका पीरियड कितना है? पाई है। अगर मैंने अब y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है और इसका वापस से इवन पावर कर दिया y इक्वल टू साइन पावर 4x, इसका पीरियड क्या है? पाई है। इसका पीरियड भी क्या है? पाई है। ये बात चमकती है क्या? Yes, सब कुछ याद नहीं कर सकते हो यार। अच्छा बताओ 1/f का पीरियड क्या रहेगा? टी रहेगा। अरे थिंक ग्राफिकली भाई, ग्राफिकली नहीं सोच पा रहे हो क्या? अगर एफ एक्स का पावर तुम्हारा 1/n रहेगा तो टी रहेगा। ऑड इवन का अंतर नहीं पड़ा क्यों? ये वाई इक्वल टू साइन एक्स है। वाई इक्वल टू साइन एक्स का पावर रूट का ग्राफ कैसा होगा? एनी आइडिया? उम्मीद कमी है मुझे वैसे, आप लोग को आइडिया होगा, पता नहीं क्या पढ़ते हो यार, सबको सब कुछ आता है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, पता ही चल रहा है क्लास को। बताओ साइनस का पावर हाफ ग्राफ कैसा बनेगा? साइनस का पावर हाफ ग्राफ कैसा बनेगा यार? वाला चला जाए। हाँ चला जाए ना, चला जाए और ग्राफ थोड़ा चला जाए। उठ गया, लेकिन रिपीट तो कब कर रहा है? 2 पाई। अरे ये बात समझ में आती है? अगर मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वी आर सिटिंग इन अ मॉर्ग, सब लोग चुप बैठे हुए हैं, साइनस की पावर 1/3 का क्या होगा? अंतर कुछ पड़ेगा क्या? नहीं सर, सेम है, 2 पाई रहेगा। ये बात चमकती है? ग्राफ सीखा क्या तुमने? कुछ तो सीखा ही नहीं ग्राफ में, टाइम पास हो गया ग्राफ में पूरा पकड़ के यार। आपने ग्राफ में कुछ सीखा ही नहीं फिर तो।
अरे ये बात चमकती है क्या? चलो हम लिखवा तो देंगे, क्या कर सकते हैं, आपको कुछ सीखा ही नहीं है, किसी को आइडिया नहीं कुछ भी। ए बी सी डी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होगा? सीरियसली यार क्या पढ़ाई करते हो तुम? तीन बार बता चुका भाई, एक काम करो, तुम लोग 11th का टॉपिक छोड़ो, पहले 12th का कर लो अच्छे से। क्या चल रहा है यार, तुमको टी बाई मॉडल ही मालूम है पीरियड इसका? किया तो था यार, दिखाया था ना आपको ये तो ट्रांसफॉर्मेशन में कि एक्स का जब आप क्या, मैं भाई पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। एफ ऑफ एक्स प्लस ए का पीरियड क्या होगा? अबे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अचार डाल के पी गए क्या आप लोग? पहले ही बता दिया तो नहीं पढ़ाए होते हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं सिलेबस कहाँ कहाँ पहुंच गया होता, फालतू में पढ़ाया मैंने एफएम को। ये तीसरी बार बोल रहा हूँ टी बाई मॉडे होता है, दिखाया था ना कि साइनस का पीरियड साइन टू से ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ ट्वाइस कंप्रेस हो जाता है ना। हवा में पढ़ाई मत करो, हवाबाजी में। साइनस के ग्राफ से साइन फाइव एस का ग्राफ कैसे बनता है? साइनस के ग्राफ से साइन फाइव एस का ग्राफ कैसे बनता है? फाइव टाइम्स कंप्रेस होता है। फाइव टाइम्स कंप्रेस होता है। तो क्या हो जाएगा अगर पहला काम जो टू पाई में हो रहा था वो अभी कब हो जाएगा? टू पाई बाई फाइव में हो जाएगा ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान नहीं रहती है, बिल्कुल भूल चुके हो, सब कुछ कुछ भी नहीं आता है क्या? पढ़ाई क्या करो तुम्हें फिर? अद्धी हो गई यार, 80 पीरियड होगा। वाह वाह भाई वाह, पता नहीं क्या पढ़ाया मैंने यार, मतलब हवाबाजी बस कर रहे हो आप लोग मैक्सिमम में, कुछ नहीं होगा फिर ऐसे पढ़ाई करना। ऑफलाइन में बोल मैं क्लास से बाहर निकाल था, चार बार बता चुका हूँ, चार बार सेम चीज चार बार बोल चुका हूँ, फिर भी नहीं आती यार, हद्दी हो गई यार। पता नहीं आप लोग क्या पढ़ाई करते हो, ऐसा लगता है क्लास में पढ़ाओ, क्लास के एंड तक सब याद है, उसके बाद घर जाके सब भूल जाओ। कॉपी कर लो इसको यार, अंतर क्या पड़ता है कॉपी को ना करो, पढ़ना तो है तुम लोगों को, दो तीन लोग पढ़ रहे हैं बाकी किसी को अंतर ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है क्लास में, और जो पढ़ भी रहे वो भी चुप बैठते हैं क्लास में। कॉपी हो गया है सर, थोड़ा सा
कॉपी कर लिया? यस सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुझे पूछते हो ना, मार्क्स नहीं आता है इसलिए नहीं आता है मार्क्स। तुम लोग को एक महीने में कोचिंग चार बार पढ़ाई गई फिर भी तुम लोग को ध्यान नहीं है। पढ़ लो भाई, तुम लोग स्कूल का ही पढ़ लो, स्कूल का ही पढ़ लो, देखते स्कूल में क्या हो जाएगा। आदमी कंसेप्ट सीखता है। थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। अ कांस्टेंट फंक्शन, अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट हैज नो फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अरे भाई कुछ भी दिख रहा है क्या? कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? होगा। डेफिनेशन से हो रहा है ना पीरियोडिक, नहीं हो रहा है? जितना मुझे याद आता है, मैं तुम लोग को साइनस का तो बेसिक से पीरियोडिक निकाल के दिखाई था ना थोड़ा बहुत तो। हाँ सर। चौथा, फॉर एनी एलजेब्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स with for fx and gx one of the period of the combination will be LCM of LCM of periods of f and g। तो एक कॉमन सेंस की बातें हैं, जैसे आपको 11th में LCM का डेफिनेशन समझाया था, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मुझे y इज इक्वल टू एफ प्लस जी का पीरियड चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है फाइन। तो f का पीरियड मान लेते हैं t है, t1 है, और g का पीरियड मान लेते हैं t2 है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा hx लिखा है ना, कॉमन सेंस सोचो ना, LCM का डेफिनेशन, अगर t1 और t2 का LCM ले लेंगे ये बात चमकती है क्या? यस सर। सोचो भाई, आंखें बंद कर सोचना पड़ेगा तुमको। हम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फंडामेंटल पीरियड आएगा, मैं कह रहा हूं भाई हमको मालूम है कि एफ जो है 2 के बाद रिपीट कर रहा है, जी जो है 3 के बाद रिपीट कर रहा है, तो अब इसलिए 6 पे वापस से मिलेंगे ना वो लोग, नहीं चमकता है? चमका। जस्ट थिंक लॉजिकली ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लस, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट माइनस। I am not talking about minus. I am talking about division. I am talking about multiplication. ये बात चमकती है कि आपको फील आती है नंबर से? आप ट्राई तो करो फील करने के चीज को। अरे हेलो। यस सर। आपको फील आती है क्या इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा? फील आती है? सोचो जरा एक बार। दोनों के LCM। ये बात चमकती है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एलसीएम की बात क्यों आ रही है? पता चल रहा है कि एफ जो है, मान लेते हैं एफ का पीरियड 2 है, मतलब एफ जो है अपना 2-2 के बाद रिपीट करते रहेगा। यस सर। जी जो है 3-3 के बाद रिपीट करते रहेगा। तो उनका एलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, ये तो श्योर है ना कि टी उनका एक पीरियड तो होगा, जो भी एलसीएम आएगा
वो उसका एटलीस्ट एक पीरियड तो होगा। अब ये हो सकता है कि छोटा हो जाए, ये हो सकता है कि छोटा हो जाए, पॉसिबल है ना। साइन एक्स मान लो, एक फंक्शन साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन भी साइन एक्स है, तो दोनों का पीरियड क्या है? अगर मैं दोनों का डिफरेंस लिख दूं एच एक्स माइनस जी एक्स तो क्या आ गया? जीरो आ गया ना। यस सर। तो पीरियोडिक हुआ क्या वो? पीरियोडिक हुआ। पीरियोडिक है ना सर। फंडामेंटल फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड है क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं ना। तो एलसीएम वाले मेथड में प्रॉब्लम यही है बस, कि आप फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाल पाते हो। आप क्या निकाल पाते हो एलसीएम से? आप क्या बता पाते हो? कोई एक पीरियड। पीरियड आप एलसीएम से ये बता पाते हैं कि जो एलसीएम है वो उसका पीरियड है बस। बट एक मजेदार चीज होती है, अगर एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉन पीरियड। ये तो श्योर है, ये तो श्योर है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। देखो भैया, चौथा पॉइंट नहीं चमकेगा कुछ होगा नहीं। चमकता है तो बोलो, चमकता है क्या? सोचो ना तो कॉमन सेंस से, कि एच जो एफ जो है दो के बाद रिपीट कर रहा है, जी जो है तीन के बाद रिपीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली छह के बाद तो हर बार चीजें रिपीटेबल हो जाएंगी ना यार। यस सर। चमका सर। अरे ये क्लियर है? हाँ। तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, पहले तो तुम इतना कॉपी तो करो फिर आगे लिखते हैं। पहले कॉपी करो फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे नोट लिख लेंगे कि एलसीएम मेथड से आया पीरियड में और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है।
कॉपी कर लिया क्या? यस सर। एक डाउट है सर, एलसीएम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एचएक्स भी नॉन पीरियड होगा। हेलो हेलो सर, क्या चल रहा है? यस सर अरे हेलो। हाँ सर। यस सर कॉपी हो गया? हाँ सर। सर डाउट है, क्या बोलो सर, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता तो एचएक्स नॉन पीरियड होगा ना? एचएक्स तो लिखा ना बे। अच्छा, अरे यार ठीक है, मेरा थोड़ा सा ना फीवर है, थोड़ा सा ना दिमाग कम काम कर, ठीक है, रेप करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। पेन का रिफिल लोगों को ठीक है। By the way, आपको याद है ना 11 में सिखाया था, फिर भी सिखाया था वापस से, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस याद है? ए बाई पी, बी बाई क्यू, सी बाई आर, क्या था एलसीएम बताओ? एलसीएम ऑफ, हेलो, अरे यार बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तुम कुछ बोल ही रहे हो। हेलो मतलब ऐसा लगता है ना कुछ पढ़ाना ही चाहिए कभी, बच्चों को कुछ आता ही नहीं कभी, मतलब अजीब ही आप लोगों को यार, कुछ नहीं आ रहा क्या आप लोग को अब? अरे पढ़ाया था ना 11th में। हाँ सर। यस सर। नाटक चल रहा है क्या यार, क्या चल रहा है? अबे यार, अरे आप लोग कुछ भी याद है इसे पढ़ाया गया है? याद है। नहीं यार, चलो फाइंड पीरियड। देखो y इज इक्वल टू, मान लो साइन एक्स प्लस कॉस फोर एक्स, ठीक है? यस सर। इसका पीरियड कितना है? 2π। और इसका पीरियड कितना होगा? 2π/4। तो क्या आ गया 2π और π/2, दोनों का एलसीएम क्या है? 2π और π/2 कहाँ मिलेंगे यार? 2π। क्या लोग पढ़ रहे हो यार, 2π और π/2 कहाँ मिलेंगे ये नहीं मालूम क्या? क्या चल रहा है यार, y इज इक्वल टू, वैसे ही पढ़ना, टॉपिक खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या, तुम तो वैसे ही बकवास कर रहे हो। साइन एक्स बाई फोर प्लस साइन एक्स बाई थ्री, बोलो इसका पीरियड क्या है? 8π/8। इसका पीरियड 6π/6π। 8π कैसे हुआ बताओ? T/4। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 24।
अरे बात चमकती है. यस सर. सी वाला वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स प्लस साइन एक्स. इसका वन होगा फ्रैक्शनल एक्स. ठीक है. और इसका टू पाई. हाँ अभी एलसीएम बताओ. एडजस्ट नहीं करेगा. एलसीएम नहीं एक्सिस कर. बढ़िया. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इरेशनल है. इरेशनल और रैशनल. और रैशनल का एलसीएम एडजस्ट नहीं करता है. वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस जी आई एफ एक्स प्लस टेन पाई एक्स बाई थ्री. अब बताओ. ये वन में रिपीट हो. कितना पेड़ इसका? वन है. वन है. इसका कितना है? टेन का पीरियड कितना होता है? टेन का पीरियड कितना होता है? पाई. तो पाई पाई बाय थ्री. अरे नहीं समझ में आ रहा मुझे तुम लोग क्या हो गया. पाई पाई बाय थ्री ना. तो ये और एक कट जाएगा. थ्री ऊपर जाएगा. दोनों का एलसीएम क्या आएगा? थ्री. अरे ये क्लियर है क्या? यस तो ये यहाँ पे क्या आ गया? ये नॉन पीरियोडिक. बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर. ठीक है. यस. कॉपी करो इसको. कॉपी कर लो. बताना मुझे. क्या हो गया? हाँ सर हो गया. रब करें. Yes, अभी देखो क्या होता है कि पेपर जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तब की बात दूसरी है. अभी आपका एलसीएम मेथड से काम चल जाता है. जो सबसे बेसिक मेथड होता है वो आपको मैंने उस दिन करके दिखाया था. वाई इक्वल्स टू एफ एक्स और एफ एक्स प्लस टी लेके याद है. वो बहुत लंबा मेथड है. सबसे बेसिक मेथड है. ठीक है. उसके अलावा जो थोड़ा सा एक ऊपर मेथड होता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी से आप ऑलमोस्ट हमेशा कमेंट कर पाते हो पीरियड के बारे में. ऑलमोस्ट मतलब सिंपल सिंपल में. लेकिन सर मैंने क्वेश्चन दिया था साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई थ्री. ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे तुम उसको. ये बात चमकती है. या फिर एक तरीका होता है ग्राफिकल तरीका जो ग्राफ बना पाए तो. एनीवे मैं आपको दिखा रहा हूं. आप देखो ये आपको दिखेगी चीज. वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स. बताओ क्या है पीरियड? इसका पीरियड कितना है? पाई. मैं ना बोलूंगा इन्हें चुप रहूंगा. तुम लोग बोलोगे तभी बोलूंगा. इसका पीरियड कितना है? पाई. दोनों का एलसीएम कितना है? पाई. भाई पाई और पाई का एलसीएम टू पाई बोल रही हो यार. क्या हो गया?
पाई और पाई का एलसीएम पाई है ना, है ना? बट आप मार्क करो, बट पाई इज नॉट फंडामेंटल पीरियड. यहां पे साफ साफ दिख रहा है पाई बाय टू इज फंडामेंटल. आप देखो एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, बताओ क्या आ रहा है? साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस क्या आ गया बताओ? कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स जो घुस के वापस बन गया साइन एक्स, जो क्या आ गया एफ एक्स आ गया ना. तो ये आपको हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, पेपर ऑब्जेक्टिव है. इसलिए क्या होता है, आप एक कोई पीरियड निकाल लो और ऑप्शन में उसके नीचे वाले को चेक करना पड़ता है आपको. ये बात चमकती है? या आप ऐसे सोच सकते हो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया उससे, कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स लिखा हुआ है ना, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर स्क्वायर एक्स टू मॉड साइन एक्स मॉड कॉस. बाहर में गया स्क्वायर, मैंने स्क्वायर नहीं किया, मैं ऐसा लिख दिया. लिख सकता हूँ कोई दिक्कत? यस सर. यस सर. ये क्या लिखा है, वन प्लस एक्स का मॉड, और हायर मल्टीपल एंगल में ले जाओ, और हायर एंगल में ले जाओ, क्या होगा बोलो? ये क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर. कौन बोल रहा है ये? वन माइनस कॉस फोर एक्स बाई टू होगा ना. यस सर. ये भी नहीं आता, क्या चल रहा है यार? ये आता है ना? हाँ सर आता है. तो अब इसका पीरियड कितना है? कुछ माइनस किए हो पीरियड चेंज नहीं होगा, वन ऐड किए पीरियड चेंज नहीं होगा, टू से डिवाइड किए पीरियड चेंज नहीं होगा, रूट लिए पीरियड चेंज नहीं होगा, वन किए पीरियड चेंज नहीं होगा, रूट लिए पीरियड चेंज नहीं होगा. तो फाइनल आंसर आ गया ना पाई बाय टू. ये बात चमकती है? यस सर. दिस इज द अदर मेथड जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि बेसिक से थोड़ा ऊपर है और इस ट्रिक से थोड़ा नीचे है, बट आपको ज्यादा हेल्प ये भी नहीं करेगा क्योंकि हर क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे आप इतना आराम से. तो बेस्ट वही रहता है, सब लोग दुनिया में ऐसे ही करते हैं, एलसीएम वाले मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि जो आंसर आया है वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो उससे छोटा आंसर भी एग्जिस्ट. और सिंपल सी बात है ना, आपको मान लो एलसीएम से आया पाई और आपका ऑप्शन क्या है, पाई बाय टू पाई, और पूछा है बताओ बेटा फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सीधा? टू पाई और थ्री पाई. आपका पाई आ गया एलसीएम, तो ये हट गया, ये हट गया है ना, ये तो कंटेंशन में है और इसको आप चेक कर लोगे क्वेश्चन में. ये बात चमकती है क्या? यस सर. यस सर. पीरियड वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? बिकॉज ये देखने में करने में सब सुंदर है, एग्जाम में नहीं होता, ऐसी दिक्कत आती है. ये बात चमकती है क्या? यस. मेनली जो एलसीएम वाला मेथड है ना, उससे काम आता है नॉन पीरियोडिक बोलने में. ये बात समझ में आती है, नहीं आती है? आया सर. लग ही नहीं रहा यार, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग सोच ही नहीं रहे यार, ध्यान रहे हंसी आ रही है, क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा ये बताओ, सुनो, वाई इज इक्वल टू टू जी आई एफ एक्स प्लस वन बाई टू इंटू पाई. क्या बता सकते हो इस फंक्शन के बारे में? तो इस फंक्शन का मतलब बताओ, पीरियड पीरियड बताओ, पीरियड वगैरह बताओ, पीरियड ग्राफ रेंज बताओ इस फंक्शन के बारे में. कॉमन सेंस अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे आप, तो पागल हो जाओगे, फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, फालतू चीज सोचोगे. सिंपल चाहिए, सिंपल चीज करो. बोलो सर, रेंज वन नहीं रहे. बताओ, सोच के बताओ, चलो करो सॉल्व. आपको फील आनी चाहिए, फील नहीं है तो क्या पढ़ोगे, फायदा नहीं पढ़ने का.
सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग इसको सॉल्व करें, कॉपी करो सॉल्व करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिखना चाहिए। जिसने रेंज वन बोला वो तो हास्यास्पद चीज है, आप वन कैसे बोल सकते हो। किसी का सॉल्व नहीं हो रहा, अरे कॉपी कर ली हो क्या? कर रहे हैं कॉपी, कॉपी करके सॉल्व करो। तो वन और माइनस वन ही हो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो कौन वन बोल रहा है? ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ जा ग्राफ बनाओ इसका। अब एक ग्राफ आया क्या? यस सर। क्या आया भाई? हाँ बोलो। जीरो से वन में वन, जीरो से वन में वन, हाँ फिर वन से टू में माइनस, वन से टू में माइनस वन, मतलब किसी को नहीं आ रहा, हद हो गई यार। मतलब टू से थ्री में सर वन वन रहे, फिर थ्री से फोर में सर माइनस वन, ठीक है। तो फंक्शन का पीरियड रेंज क्या हो गया? माइनस वन और वन, माइनस वन और वन और वन। अब पीरियड, पीरियड टू टू आ गया। हर हंसी आ रही है मुझे, है तुम्हें पढ़ाई क्या हो गया है? तुम्हें कर तुम्हें क्या दिन में 11th की शीट बना रहे हो क्या? पीएनसी का वो सब भाई 11th 12th का कुछ पढ़ लो यार, हैं? अरे मजाक बना रखा है। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर, हाँ सर।
कॉपी करके हो गया सर। अरे रब करूं? यस। रब करें क्या? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखो, लेट अ फंक्शन लेट अ फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम इसके x से लेट से इसके डिफाइन कर देता हूँ इसके x से लेट से b1 और लेट से फंक्शन g डिफाइन फ्रॉम b2 टू y ठीक है देन लेट D B D subset of X such that for X belongs to D or X belongs to D then X belongs to D, then f of X belongs to that x b that x belongs to d for us to d then literally kaise likhu isko acche se likhu let d be the subset of x such that for x belonging to d for x belonging to d B1 and B2 have intersection. B1 and B2 have intersection. If intersection is not phi then agar intersection phi nahi hai then f of then g of f of x is defined from d 2
टू देन डी इज डिफाइंड फ्रॉम वाई. कॉपी करो. कॉपी कर लिए? यस सर. देखो डेफिनेशन हमेशा थोड़ी अजीब लगती है समझने में सुनने में, ठीक है. पहले आप समझो जी ऑफ एफ का मतलब क्या है. जी ऑफ एफ का मतलब क्या है? मतलब जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? जी के अंदर एफ, जी के अंदर तुम्हारा इनपुट क्या जा रहा है बोलो? एफ ऑफ एक्स एफ, एफ का आउटपुट. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. ये बी टू है और ये वाई है, ये बात चमकती है? हाँ सर. तो अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, लेट से ये ए बी सी डी है और लेट से यहां पर ए बी डी ई एफ है, लेट से यहां पर ए बी सी है, ठीक है. तो ये पहले एफ का मैपिंग कर देते हैं. एफ का मैपिंग कर, ये बात समझ में आती है? यस. और जनरल केस चलना है, चलो काम करते हैं. डी को भी सी पर डाल दिए, यहां तक ले रहे क्या? हाँ सर. अभी ए को डाल देते हैं ए पे, बी को ए पे, डी को ए पे, ई को बी पे और एफ को भी बी पे. ये बात चमकती है? ए का मैपिंग, एफ का मैपिंग क्लियर है? हाँ सर. जी का मैपिंग क्लियर है? यस सर. तो मैं क्या बोल रहा हूं, जी ऑफ एफ कब डिफाइंड होगा? जी ऑफ एफ डिफाइंड कब होगा बोलो? ऑब्वियस ही बात है ना, बोलो. ये डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड कब बोलो? व्हेन डिफाइंड कब होगा बोलो? ओनली फॉर दोज वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच बोलो रेंज ऑफ एफ, हेलो रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी हैव कॉमन एलिमेंट्स ना. यस. अगर उनके में कॉमन होगा ही नहीं तो जी ऑफ एफ डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा सर. नहीं होगा. अरे इसके रेंज और इसके डोमेन में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो जी ऑफ एफ के अंदर जो भी एक्स डालोगे जी उस पर डिफाइंड ही नहीं होगा ना. ये बात चमकती है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. हाँ सर. अरे हेलो, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. अरे भाई मुझे बताओ, तुमने डाला इसके अंदर वन, वन अलाउड है क्या? वन, वन पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर. नहीं है सर. नहीं है सर. वन पे क्यों दिक्कत नहीं है बताओ? कि ए कॉमन है दोनों में. ए है ना दोनों में? हाँ सर. ये बात चमकती है? फिर तो अगर वन डालेंगे तो क्या होगा बोलो? वन से ए जाएगा, फिर ए से बड़ा. वन से ए जाएगा, फिर छोटा ए से बड़ा कैपिटल ले जाएगा. यहां तक क्लियर है? यस सर. फिर बताओ टू से बी जाएगा. टू से बी जाएगा. फिर बी से ए. बी से ए जाएगा. थ्री से थ्री से बी बी जाएगा.
फिर बी से फोर से सी जाएगा लेकिन सी नीचे फोर से सी जाएगा ये बात चमक रही है एक्स में से ये बात चमक रही है यस अरे समझा फिर फाइव से फाइव से फाइव से सी जाएगा अरे ये बात चमक रही है क्या कि अगर हम वन से आए तो अब ये जो ए है तुम्हारा ये ए तुम्हारा वापस से यहाँ पे है ना समझ में आता है ये ये जो तुम्हारा बी होगा दिस बी ये भी है ना यहाँ पे समझ में आता है फिर ये सी तो रुक गया ना क्यों सी रुक गया किसी कॉमन नहीं है दोनों में बी वन और बी टू में सी कॉमन ही नहीं है तो ये बात समझ में आ रही है Yes, तो अपने को यही हमारे पास कॉमन सेट बनाना ये बात समझ में आती है sir. तो मुझे बताओ जी का मैपिंग कैसा हो जाएगा अगर जी के मैपिंग की बात करूं मैं गॉफ इसको गॉफ बोला जाता है कई बार जी ओ फॉर ऑपरेटेड जी ऑपरेटेड ऑन एफ बोलो क्या आएगा डी सेट क्या आएगा ए और बी डी सेट क्या होगा A और B नहीं D सेट आप तो पढ़े D सेट क्या है सबसेट ऑफ X B1 इंटरसेक्शन B2 ना अरे क्या बात है भाई D सबसेट X का है या B1 इंटरसेक्शन 1 2 3 1 2 3 होगा ना और 1 के लिए आउटपुट क्या है A, B, C. वन के लिए आउटपुट क्या है कैपिटल A. कैपिटल A. कैपिटल A. टू के लिए आउटपुट क्या है कैपिटल A. कैपिटल A. थ्री के लिए आउटपुट क्या है कैपिटल A. कैपिटल A. कैपिटल A. ये बात चमकती है ये किसकी मैपिंग बनी है G ऑफ X. G ऑफ X. गॉफ की G. गॉफ की G ऑफ F ऑफ X. ये बात समझ में आती है यस सर हाँ सर वापस समझते हैं क्या है देखो भाई ऐसा है कि G के अंदर कौन जा रहा है F ऑफ X F ऑफ X F ऑफ X जा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि F एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ डिफाइंड है X से B1 G एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ डिफाइंड है B2 से B2 से Y यहाँ से बोर्ड दिखता है क्या नहीं दिखता है दिखता है यहाँ से दिखता है ना बोर्ड यस सर उस तरीका है क्या जैसे कि वहां जो मैंने कैमरा किया तो मतलब ऐसा हो जाए कि बोर्ड में ही आ जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन ठीक है अच्छा जो बोर्ड पर लिखा है उसकी क्लैरिटी में कमी होगी क्लैरिटी उतनी है सर उतना ही दिख रहा है ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारा कि F जो है तुम्हारा X से B1 पर डिफाइन है X से B1 गया ना और G कहाँ से कहाँ है B1 से B2 से Y ठीक है फिर मैंने आगे क्या बोल रहा हूँ कि D जो है वो क्या सेट है ऐसा सबसेट ऑफ X है भाई आपको मेनली क्या खोजना है अगर B1 और B2 में इंटरसेक्शन होगा अगर B1 और B2 में इंटरसेक्शन है तो ही आपका जीओ गॉफ डिफाइंड होगा और डिफाइंड कहां से कहां होगा गॉफ आपका डिफाइंड कहां से कहां होगा बोलो आपका जो गॉफ है वो डिफाइंड कहां से कहां होगा D से Y जहां पे D क्या है सबसेट ऑफ एक्स अरे सिंपल सी बात है दिक्कत क्या आ रही है क्लियर है क्या चीज बैठे बैठे ना मतलब दिक्कत हो गई यार बहुत ज्यादा
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। आई थिंक सर नाटा छा चुका है क्लास में बुरी तरह से। आप लोग चलो छोड़ो, आप लोग ये चीज पहले कॉपी कर लो, मैं थोड़ा एग्जांपल करके फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? पहले आपको गॉफ की फील आएंगे, फिर वापस से डेफिनेशन पाएंगे, ठीक है? पहले कॉपी करो इसको। तुम लोग अपने स्कूल में भी ऐसे ही चुप रहकर पढ़ते थे बचपन में कि क्लास में बोलते रहते थे? बोलते थे। काहे चुप बैठो भाई क्लास में? मतलब अभी अगर 11th की क्लास होती ना मैं कैंसिल कर दिया होता, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बट 12th में क्लास कैंसिल नहीं करता हूं मैं कभी भी, जब तक कुछ बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो जाए। 11th में तो मैं मौका ढूंढता हूँ। अच्छा लाइट चली गई, कैंसिल कर, कैंसिल। 12th में तो मतलब लाइट चली गई तो फिर भी मैं पढ़ा लेता हूँ, और जो ड्रॉपर बैच होता है उसमें तो मोबाइल से कैमरा ऑन कर पढ़ाता हूँ मैं, फिर तो रात में फ्लैश लाइट में। 11th में क्या होता है, अच्छा लाइट चली गई चलो कैंसिल, बारिश हो गई नेट चला गया कैंसिल। 11th में अंतर नहीं पड़ता ना, 11th में आप लोग पढ़ना सीख रहे होते। अरे कॉपी कर लिए क्या आप लोग? यस सर। एक मिनट। देखो ना आप लोग जो आप लोग 12th में एंटर किए हैं मार्च के बाद से ऑलमोस्ट तो जीरो ही कैंसिलेशन करी है ना मैंने। हां सर। और 11th में आपको याद है, आपको लगता होगा पता नहीं असर लेंगे कैंसिल करेंगे फिर से, स्पेशली शुरू के 3-4 महीने। सर आपने सुबह के 10 बजे तभी बोला था कि रात को 6 बजे लाइट जाने वाली है, 6 बजे शाम एक बार। हाँ सर वही वो लाइट का बहाना आप बोल रहे थे ना। कब कब सर? एक बार 11th में आपने किया था क्या? सुबह लाइट सुबह लेके रखा था? नहीं सर शायद वो सुबह ही था, आपने सुबह बोल दिया था कि लाइट नहीं है करके, मतलब पता नहीं ट्यूजडे रहा होगा, ट्यूजडे को दिक्कत होती है काम उठे में, तो ट्यूजडे को दिक्कत होती है। ग्रैब करें क्या? कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। क्योंकि ट्यूजडे को मैसेज आ जाते हैं, ट्यूजडे को मैसेज सुबह आ जाता है एमएसडीएल से कि 2 से 5 कटेगा, 11 से 6 कटेगा, दिक्कत है, ज्यादा ही कटता है इधर, मेनली ट्यूजडे को होता है प्रॉब्लम। अब तो क्लास रखवाते नहीं ट्यूजडे को, तो हटवा दिया लास्ट से। रैप करें इसको? यस सर। यस सर। अभी मेरी बात समझो, अपन ना पहले इसमें 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं ज्यादा, ठीक है? तो पहले आप समझो चीजों को, मैंने आपको लिख रहा हूं, ठीक है? ये मैं आपका जी का बना रहा हूं, देखो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये जी ऑफ एक्स है और ये आपका एच ऑफ एक्स है, ये आपका एच ऑफ एक्स है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक देन, ये फंस जाएंगे ना इसमें कैसे करेंगे। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो जी को तो ऐसे कर देते हैं और एच को ऐसे मार देते हैं। अरे ये फंक्शन की मैपिंग दोनों क्लियर ही नहीं क्लियर, बताओ? क्लियर है सर। ठीक है अभी आपको मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ना आराम से मैपिंग कर करके बनाओ फिलहाल, ठीक है? आप जी ऑफ एक्स निकालो मैपिंग से, आप जी ऑफ एच निकालो, ओके? आप क्या निकालोगे? एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। अरे बात समझ में आती है क्या? यस सर। हाँ सर। आप एच ऑफ एक्स निकालो फिफ्थ, फिर अभी अपन समझते हैं, पहले आप ये 4 ही करो, पहले 4 करो, ये 4 करो, उसके बाद विष्णु ने एक क्वेश्चन पूछा था वो डिस्कस करना था, भूल गया था कहा था गजे को याद दिलाने को, ग्रिड प्रॉब्लम। मैंने ग्रिड प्रॉब्लम कराई थी ना? नहीं कराई थी पीएनसी में? ग्रिड प्रॉब्लम कराई कि नहीं कराई है?
सर आपने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पीपी के बारे में. हां वही वही कह रहा हूं, फिर भी वो पूछ रहा था. ठीक है चलो फटाफट निकालो आप लोग. सर तब तभी उनका बैच हमारे साथ डीपीपी नहीं करता था. बैच तो कमाई रखना था, बस एक ही बच्चा था सर्वेश सावंत. सर एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है.
हुआ क्या पहला? हेलो सर। अरे मुझे पता ही नहीं चाहता, चुप ही रह रहे हो सब लोग। पहला वाला हुआ क्या? जी ऑफ एक्स बताओ। यस सर। क्या है बताओ? जी ऑफ वन कितना है बोलो सर? वन वन। जी ऑफ टू कितना है बोलो? टू टू है। जी ऑफ थ्री कितना है? थ्री थ्री। जी ऑफ फोर कितना है? फोर फोर। चमक रहा है ना, कैसे हो रहा है? Yes, दूसरा जी ऑफ एच ऑफ वन बताओ। फोर। जी ऑफ एच ऑफ टू बताइए। टू। जी ऑफ एच ऑफ थ्री बोलिए। जी ऑफ एच ऑफ फोर बोलो। वन वन। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं कंपोजिशन? Yes, sir. जो डोमेन वाली बात लिखवाई ना, उसको भले थोड़े वापस समझ लेना क्लास के बाद, अभी फिलहाल बेसिक समझो। ठीक है, हाँ थर्ड बोलो। एच ऑफ जी ऑफ वन बोलो। फोर। फोर। कैसे कैसे क्या होता ही होगा, होता होगा। एच ऑफ जी ऑफ टू। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? जी ऑफ टू कितना है? थ्री। जी सबको समझ में आ रहा है क्या? जी ऑफ टू कितना है? थ्री। अभी एच किस में लगेगा? थ्री पे। एच ऑफ थ्री कितना है? टू है। टू। एच ऑफ जी ऑफ थ्री। थ्री। जी ऑफ थ्री कितना है? जी ऑफ थ्री टू है। एच ऑफ टू कितना है? थ्री। अरे चमक रहा है। हाँ सर। एच ऑफ जी ऑफ फोर। फोर्थ वाला एच ऑफ वन बताओ। वन। एच ऑफ टू। 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 अच्छा एच ऑफ थ्री। थ्री। एच ऑफ फोर। फोर। अरे बात चमकी क्या? Yes, yes, अब एक मजेदार क्वेश्चन करते हैं। वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। वन पे टू, टू पे थ्री, थ्री पे फोर, फोर पे वन। ठीक है, हैं? How many times FFF be done such that FFF is X? चमको क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या? मैं सब मैं एक्चुअली जो मैं मीन कर रहा हूं इंग्लिश में लिख नहीं पाया। क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूं? कि मतलब कितनी बार तुम एफ 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 करते जाओ ताकि जो इनपुट डाल रहे हैं वही वही आउटपुट आ। चलो करो सॉल्व करो निकालो। तुमने सॉल्व नहीं किया, तुमने बस सोच के बता दिया है। तुमने सॉल्व किया है? सॉल्व मतलब सोच के। सॉल्व करिए।
सॉल्व करो ना, सॉल्व करो ना, कुछ कहा ना, सॉल्व तो करो। सर फोर टाइम्स से सॉल्व किया, फोर टाइम्स आ रहा है। यस सर। सो फोर टाइम्स के बाद एट टाइम्स होंगे तभी आए, तब भी आएगा। ओके, वो तो बात दूसरी है, फोर हो गया ना। यस सर। अरे सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? यस। सब लोग कर लिए क्या? यस। हाँ सर। क्या मतलब फोर के मल्टीपल्स में होना चाहिए ना, ताकि सेम इनपुट आउटपुट आए? वो सब जनरलाइजेशन नहीं करूंगा मैं कुछ भी, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चार बार करोगे, चार बार एफएफएफ लगाओगे तो फाइनली आपका जो मैं कह रहा हूँ वो बन के आ जाएगा बस। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर क्लियर। यस। तो काम करो, होमवर्क कर ले थोड़ा सा, ठीक है?
हेलो हाँ सर हाँ सर एक्सरसाइज वन के पार्ट वन का सेक्शन सी सेक्शन डी किसी के पास अगर रेजो सर पे शीट है ना तो वो डाल दो बिकॉज ये जो शीट डाली हुई है मैंने लिंक में ना उसमें सॉल्यूशन भी है सेक्शन सी बोला ना मैंने और सी और डी सी और डी सिर्फ पार्ट वन का ना सर हाँ हाँ सेक्शन ठीक है डी सी और डी सी और डी बोला है ना सेक्शन एफ ठीक है क्या बोला मैंने सेक्शन सी डी और एफ एक्सरसाइज वन पार्ट वन का ठीक है यस ठीक है शीट तो तुम्हारी लिंक पे है ही है ट्राई करना सॉल्यूशन नहीं देखने का और क्या ठीक है चलो ठीक है।